हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं मोहम्मद साहिर, आप देख रहे हैं हमारा चैनल फिट डॉक्टर। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं वेट गेन के बारे में, वेट गेन कैसे करें। तो गाइस, यहाँ पे डिफरेंस है वेट गेन और मसल गेन। पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि वेट गेन क्या है और मसल गेन क्या है। गाइस, वेट गेन तो हम कैसे भी कुछ भी खा के वेट गेन अपना पेट निकाल लें, वेट गेन हो जाएगा, फैट बढ़ा लें वो भी वेट गेन हो जाएगा, लेकिन हमें मसल गेन करना है, लीन मसल मास गेन, जिससे हमारा फैट ना बढ़े। तो गाइस, उसके लिए तीन ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें फॉलो करना पड़ेंगी। सबसे पहले हमारी डाइट, दूसरी ट्रेनिंग और तीसरी हमारी रिकवरी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि कैमरे को होल्ड करने के लिए ट्राइपॉड चाहिए होता है, ट्राइपॉड के तीन पैर होते हैं, ऐसे कि हमारी बॉडी के तीन पैर समझ लो, जैसे कि डाइट, ट्रेनिंग एंड हमारा रिकवरी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अपनी ट्रेनिंग की। तो गाइस, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, ट्रेनिंग आपको ब्रो स्प्लिट में फॉलो नहीं करनी है। ब्रो स्प्लिट अगर आप करोगे तो आपका एक पार्ट हफ्ते में एक ही बार हो पाएगा। हमको वो, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपको अपना बॉडी पार्ट एक हफ्ते में एक बार ट्रेन नहीं करना, आपको कम से कम दो बार ट्रेन करना है। आपको ब्रो स्प्लिट फॉलो नहीं करना, कोई भी स्प्लिट फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहले तो हमारी डाइट हो गई। और गाइस, जिम में जाते हैं लोग, नए नए लड़के, तो वो वेट ट्रेनिंग नहीं करते हैं। हमको वेट ट्रेनिंग लेके चलना है एक प्रोग्रेसिव ओवरलोड के साथ। जैसे आज हमने 5 किलो से 10 रैप निकाले, तो हमको अगली बार अपने माइंडसेट बना लेना है कि हमको 7.5 किलो से 10 रैप निकालना है। तो हम किस तरीके से लेके चलना है जिससे कि हमारे बॉडी में वेट हैवी होता रहे। अगर वेट हैवी होगा तो हमारी मसल अच्छे तरीके से ब्रेकडाउन होगी, अच्छे तरीके से ब्रेकडाउन होगी जब हम उसको डाइट लेंगे तो अच्छे तरीके से रिकवर होगी, तो वो ज़्यादा वॉल्यूम में दिखेगी। तो गाइस, सबसे सेकंड नंबर पे आता है फिर हमारा डाइट। डाइट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। डाइट में हमको मैक्रोज का ध्यान रखना है, प्रोटीन, कार्ब एंड फैट। गाइस, डाइट लोग बोल देते हैं ज़्यादा खाओ वेट गेन हो जाएगा, तो ज़्यादा खाने से तो क्या, मोमो खा लो, बर्गर खा लो, पिज़्ज़ा खा लो, इसमें इतनी कैलोरी हो जाती है, आपको वेट गेन करा देगा, पेट निकल जाएगा, कचरा बाहर आ जाएगा आपका। तो आपको डाइट इस हिसाब से लेनी है कि आपको मैक्रोस का ध्यान रखना है, फैट कितना है हमारा, प्रोटीन कितना है और कार्ब कितना है। इसका एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि हमको प्रोटीन चाहिए बॉडी वेट इंटू 2, कार्ब चाहिए बॉडी वेट इंटू 4 और फैट चाहिए बॉडी वेट इंटू 1। मान लो कि जैसे मेरी मेंटेनेंस कैलोरी 2000 आई, तो हमको सरप्लस में जाना है वेट गेन करने के लिए, लेकिन इतना भी सरप्लस में नहीं जाना कि 4-5 हज़ार कैलोरी खा रहे हैं तो फैट आ जाएगा आपकी बॉडी पे। हमको सरप्लस जाना है 200-300-400 कैलोरीज मैक्स। जैसे मान लो हमारी मेंटेनेंस कैलोरी 2000 है, 2000 से तो हम 300 कैलोरी ऐड कर सकते हैं, 2300 कैलोरी हम खाएं तो वो हमारे लिए ठीक है। इस हिसाब से लेके चलनी है। जैसे प्रोटीन इंटू 2, मान लो हमारा वेट है 70 केजी को हम इंटू 2 करेंगे तो वो आ जाएगा 140 केजी। और प्रोटीन में 1 ग्राम में 4 कैलोरीज होती हैं, तो हमारा मान लो अगर हम 140 ग्राम ऑफ प्रोटीन ले रहे हैं 70 केजी वेट के हिसाब से, तो हमारी कैलोरीज हो रही हैं 560 कैलोरी हमारी प्रोटीन से आ रही हैं। फिर हमें अगर बॉडी वेट इंटू 4 कार्ब ले रहे हैं तो हमारा 1120 कैलोरीज हो रही है हमारी कार्ब से, और बॉडी वेट इंटू 1 जो कि हमें फैट चाहिए होगा तो वो हमारी 630 कैलोरीज हमारी फैट से आ रही हैं। अगर हम तीनों को जोड़ा जाए तो ये कैलोरीज आएंगी 2310, और ये हमारी सरप्लस 310 कैलोरीज सरप्लस बहुत है। अगर हमें लीन मसल मास गेन करना है तो हमें 310 मैक्स इतना ही लेना है। ये नहीं कि हमने गंदा फैट खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया, इससे हमारा पेट बाहर आ जाए। हमें एक बहुत ही फॉर्मूले के हिसाब से चलना है, बहुत ही एक साइकिल लेके चलना है कि हमें कितना खाना है और कैसे खाना है। और लास्ट में आता है हमारा रिकवरी। रिकवरी इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप रेस्ट नहीं दोगे बॉडी को, रिकवर नहीं हो पाएगी। आपने ट्रेनिंग कर ली, मसल ब्रेक डाउन कर दी, डाइट ले ली, जब तक आप सोगे नहीं, कम से कम 7 से 8 घंटे की स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सोगे नहीं तो हमारे वो न्यूट्रिशन हमारी मसल तक पहुँचेगी नहीं और आपकी मसल बड़ी होकर आपको दिखेगी नहीं। ये इसलिए रिकवरी इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये आपको तीन चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से फॉलो करनी है। सबसे पहले ट्रेनिंग, दूसरी डाइट एंड तीसरी हमारी हो गई रिकवरी। तो गाइस, ये आपको बहुत अच्छे से फॉलो करना है। थैंक यू।